बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनको हम स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किन किन सोर्सेज से जो है वो हासिल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो तीन मेन सोर्सेज हैं, देयर आर थ्री मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, थ्री मेन सोर्सेज, कोल नंबर टू, पेट्रोलियम एंड नंबर थ्री नेचुरल गैस। तीनों जो सोर्सेज हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इन तीनों सोर्सेज जो हासिल किए जाते हैं वो हम हासिल करते हैं इनको फॉसिल फ्यूल्स, इनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। फॉसिल्स क्या चीज़ें हैं, जैसे कि आपने बायो में भी इसके बारे में स्टडी किया होगा, फॉसिल्स जो हैं वे डेड रिमेन्स हैं, दीज आर द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स को हम फॉसिल्स कहते हैं। डेड रिमेन्स के ऊपर जो है वो काफ़ी अरसा गुजर जाए, लॉन्ग पीरियड, काफ़ी टाइम इस पर गुजर जाए और इसके ऊपर बैक्टीरियल एक्शन हो जाए, बैक्टीरियल एक्शन, ज़्यादातर जो इसमें बैक्टीरियल एक्शन है, जो बैक्टीरिया इसमें इस्तेमाल है वो एन एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। एन एरोबिक बैक्टीरिया भी हम उन बैक्टीरिया को कहते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, विदाउट ऑक्सीजन, एन एरोबिक बैक्टीरियाज। एन एरोबिक बैक्टीरिया जो है जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनोबायोटिक बैक्टीरिया जो है वो इन डेड रिमेन्स के ऊपर, जो प्लांट्स की और एनिमल्स की डेड रिमेन्स हैं इनके ऊपर एक्शन करते हैं। इनके इसके ऊपर बहुत लंबा एक अरसा गुजर जाए और उस लंबे असर के दौरान जितना भी हमारे पास ये डेड रिमेन्स हैं ये सारे के सारे एक फ्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, उस फ्यूल को हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। और फॉसिल फ्यूल्स में फिर हमारे पास कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की शक्ल में जो है ये हमें ज़मीन में जो है वो इसे हम निकालते हैं। तो तीन मेन सोर्सेज को हम वन बाय वन जो है ये डिस्कस करते हैं। तो पहली जो सोर्स है हमारे पास इसकी जो है वो है कोल, नंबर वन, दैट इज़ कोल। कोल जो है ये एक ऐसा फॉसिल फ्यूल है जिसका अगर हम कलर देखें तो या ये ब्लैक कलर में होता है या फिर जो है ये ब्राउनिश ब्लैक कलर में, ब्राउनिश ब्लैक, ब्लैक या ब्राउनिश ब्लैक कलर का जो फॉसिल है, जब इसको हासिल किया, जिसको हम कहते हैं कोल। और कोल जो है ये ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड जो हमारे पास स्ट्रेटा लेयर्स होती हैं, अंडरग्राउंड स्ट्रेटा, स्ट्रेटा लेयर्स, मखसूस लेयर्स होती हैं अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर जहाँ से इसको निकाला जाता है। और ये जो इनका कलर है ये डिपेंड करता है कि ये कोल जो है इनके इसके ऊपर जो है वो कितना अरसा जो है वो गुजर चुका है। फॉसिल्स फ्यूल्स को फिर हम ये कोल को हम स्टडी करते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेजेस जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। कोल में जो हमारे पास मेन कंपोनेंट्स हो सकते हैं उसमें हम कार्बन है, इसमें कार्बन के इसमें अलावा इसमें हाइड्रोजन होगा, इसमें सल्फर हो सकते हैं, इसमें कुछ हमारे पास हैलोजन्स वगैरह जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स जो हैं वो कोल के अंदर मौजूद होते हैं। तो कोल जो है ये बेसिकली क्या है, ये एक डेड रिमेन्स हैं, ज़्यादातर प्लांट्स की जो है डेड रिमेन्स को हम कहते हैं कि ये कोल है। और कोल जब बनता है तो ये गुजरता है डिफरेंट स्टेजेस में से, पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। तो उन स्टेजेस में, डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के जब कोला बनता है जिसको हम बेसिकली कोल कहते हैं, तो उन स्टेजेस को फिर हम डिफरेंट पीरियड्स के हिसाब से डिफरेंट नाम से जो है वो हम उनको ज़ाहिर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो है कि कोल, फॉर एग्ज़ाम्पल वुड है, और वुड पे जब किसी किस्म का कोई बैक्टीरियल एक्शन हो, बैक्टीरियल एक्शन, बैक्टीरियल एक्शन के बाद जो जो फर्स्ट फॉर्म में जो है ये कन्वर्ट होता है तो वो उसको हम कहते हैं पीट। पीट जो है वे बेसिकली लो परसेंटेज कोल है, लो परसेंटेज कोल। पीट आप कह सकते हैं कि एक प्रीकर्सर भी है। प्रीकर्सर का मतलब ये है कि यहाँ से अब कोयला बकायदा से बनना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया।
कि जब आप अगर ज़मीन से हम इसको ये निकाला जाए तो इसमें जब हम चेक करते हैं तो इसकी परसेंटेज ऑफ जो कार्बन है वो हमारे पास कम होती है, और जैसे जैसे इसके ऊपर मज़ीद टाइम गुजर जाए और बैक्टीरियल और एक्शन जो है इसके ऊपर हो, तो फिर ये एक और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम कहते हैं सब ब्यूटामिनस। फिर एक और फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिसको हम कहते हैं ब्यूटामिनस फॉर्म। ब्यूटामिनस फॉर्म जो है वो फाइनली एक और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसको कहा जाता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट हमारे पास अब कोयले की वो फॉर्म है जो कि जिसमें मोर देन 90% कार्बन जो है वो इसमें मौजूद होता है। यानी कि अगर कहा जाए कि कोयले में जब आप डिफरेंट स्टेजेस में से गुजर के जब ये फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है जिसको हम एंथ्रासाइट कहते हैं, तो सबसे अच्छा जो कोयला है जिसमें परसेंटेज जो कार्बन की सबसे ज़्यादा है वो एंथ्रासाइट है, और सबसे लो परसेंटेज वाले जो कोल है उसको हम कहते हैं पीट। यानी कि जब वुड जो है, लकड़ी जो है, डेड रिमेंस जितने भी प्लांट्स के जो है डेड रिमेंस हैं, जब वो ज़मीन के अंदर बरेड हो जाए, क्योंकि बैक्टीरियल एक्शन जो है उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक वो ज़मीन के अंदर बरेड ना हो जाए, और उसके ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी मुख्तलिफ़ किस्म की तूफ़ान आएंगे, हवाएं चलेंगी, बारिशें होंगी, ये ज़मीन के अंदर दफन होते जाएंगे, फिर उनके अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया जो है उसके ऊपर एक्शन करेंगे, तो स्टार्ट जो जिस फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसको हम पीट कहते हैं। पीट फिर सब्यूटामिनस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, सब्यूटामिनस फॉर्म फिर ब्यूटामिनस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ब्यूटामिनस फॉर्म फिर एक और फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिसको हम एंथ्रासाइट कहते हैं। एंथ्रासाइट वो कहा जिसमें 90% मोर देन 90% जो है हमारे पास कोयला इसमें कार्बन की क्वांटिटी जो है वो मौजूद होती है। अच्छा, इसके अलावा जो है फिर कोल, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम इसकी यूज़ की तरफ आ जाएँ तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है कोयला का इस्तेमाल जो है वो किस में किया जाता है, फॉर पावर जनरेशन, बिजली बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े कोयले के जो है वो प्लांट्स लगाए जाते हैं बिजली पैदा करने के लिए, और इसके अलावा फिर कोयले को हम एज अ फ्यूल जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कोयले को जो है वो ईंटे बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, ईंटे की जितनी ईंटों की भट्टी है उसमें जो है, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ ऐसी जगह पर जहाँ पर भट्टी बाकायदा बनाई जाए जलाने के इस्तेमाल किया, वहाँ पर कोयले का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अच्छा, उसके अलावा जो है कोयला जो है इलेक्ट्रिसिटी के अलावा कोयले से फिर हम मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कोल से जो है वो हासिल करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जी। अब दूसरा हमारे पास जो सोर्स है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है ये दो वर्ड्स से मिलके बना है, एक हम कहते हैं पेट्रा और ओलियम। ओलियम मीन ऑयल, पेट्रा मीन रॉक, यानी कि हम इसको कह सकते हैं रॉक ऑयल। रॉक ऑयल का मतलब यह है कि पेट्रोलियम ज़्यादातर ज़मीन के अंदर, अगर हम इसको थोड़ा सा डायमेटिकली ज़रा चेक कर लें तो ज़मीन के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास पोरस रॉक्स होते हैं। उन पोरस रॉक्स जैसे कि हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया है कि डेड रिमेन्स जो हैं वो ज़मीन के अंदर जब उसके ऊपर टाइम गुजर जाए, बैक्टीरियल एक्शन हो जाए, तो ये डिपॉजिट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और फॉसिल फ्यूल्स में जो एक फॉर्म है हमारे पास वो पेट्रोलियम है। तो ये जो पोरस रॉक्स हैं, पोरस मीन्स कि इसमें छोटे छोटे जो हैं वो सुराख होते हैं, तो बाकायदा तौर पर इसमें की जाती है ऊपर से ड्रिलिंग, और ड्रिलिंग के ज़रिए से यहाँ से ऑयल को जो है वो निकाला जाता है। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको अगर थोड़ा सा मज़ीद ज़रा एक्सप्लेन कर लें तो याद रखें कि जहाँ पर पेट्रोलियम यानी कि ऑयल निकाला जाएगा वहाँ पर नेचुरल गैस के ज़खायर भी जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि हमारा इस तरह नेक्स्ट जो थर्ड हमारी जो मेन सोर्स है नेचुरल गैस वो हम इसके साथ डिस्कस करेंगे। जहाँ पर भी आप पोरस रॉक्स की ड्रिलिंग करते हैं तो जो रॉक्स के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो बेसिकली नेचुरल गैस का होता है, नेचुरल गैस या हमारे पास लो हाइड्रोकार्बन गैसेस जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। लो हाइड्रोकार्बन गैसेस, फॉर एग्जांपल लो हाइड्रोकार्बन गैसेस कौन से हो सकती हैं, उसमें हम CH4 है, C2H6 है, यानी कि मीथेन है, इथेन है, इसमें प्रोपेन है और ब्यूटेन जो है, ये चार गैसेस अक्सर यहाँ पर इस एरिया के अंदर मौजूद होती है।
और ड्रिलिंग के ज़रिए से इन पोरस रॉक्स से हम जो हासिल करते हैं वो हमारे पास ऑयल होता है, जिसको कहा जाता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को हम आम अल्फाज में खाम तेल भी कहते हैं, और इसको दुनिया में लोग लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका कलर जो है वो गोल्ड जैसा है, ब्राउनिश कलर है। इसको को लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है और क्रूड ऑयल भी कहते हैं। तो बेसिकली जो पेट्रोलियम वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, पेट्रा और ओलियम से, पेट्रा मीन रॉक और ओलियम जो है उसका मतलब है ऑयल। इसकी कंपोजिशन में अगर हम देखें पेट्रोलियम की कंपोजिशन में हमारे पास अल्केन्स भी हासिल हैं, यानी कि अल्केन्स आप जानते हैं कि कम से कम जो है C5 से ऑनवर्ड, C5 ऑनवर्ड जो है वो हमारे पास अल्केन्स इसमें मौजूद होंगे, क्योंकि वो फिर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। C4 तक जो अल्केन्स हैं वो हमारे पास गैसेस की शक्ल में हैं, तो इसीलिए वो यहाँ पर गैस की शक्ल में जमा होते हैं। और C5 से ऑनवर्ड यानी ऐसा हाइड्रोकार्बन के जिसमें कार्बन की तादाद 5 है, इससे ऑनवर्ड जो है वो हमारे पास अल्केन की शक्ल में हो सकते हैं। इसमें हमारे पास बहुत कुछ कंपाउंड जो हैं वो साइक्लो अल्केन्स की शक्ल में मौजूद हैं, यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर भी जो है वो इसके अंदर आ सकते हैं। ये एक विस्कस टाइप ऑफ लिक्विड होते हैं। क्रूड ऑयल इज़ अ विस्कस टाइप ऑफ लिक्विड, विस्कस मतलब है कि गाढ़ा होता है। फिर हम फर्दर इसको प्रोसेसिंग में गुजारते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि इसको हम फ्रैक्चर एंड डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं, और इसे हम फिर मुख्तलिफ किस्म के मज़ीद हाइड्रोकार्बन जो है उससे सेपरेट कर सकते हैं, जिसमें पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल वगैरह जो है वो इससे हासिल किए जाते हैं। इसके अलावा अगर इन हाइड्रोकार्बन के अलावा अगर कोई एलिमेंट्स हम इसमें देख लें, तो वो निकल कॉपर वेनेडियम ये वगैरह ATC एक्सेट्रा, ये एलिमेंट्स भी अक्सर वक़्त जो है इस क्रूड ऑयल के अंदर जो है मौजूद होता है, जिसको फिर प्रोसेसिंग के ज़रिए से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तीसरा जो सोर्स है जो कि अभी हमने डिस्कस किया है वो हमारे पास है नेचुरल गैस। जहाँ पर अगर वर्ड नेचुरल गैस का वर्ड जो है उसको अगर देखा जाए, तो नेचुरल गैस बेसिकली CH4 है, जैसे घरों में हम जो इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम अपने लोकल टर्मिनोलॉजी में हम सुई गैस कहते हैं, ठीक है, यानी हम इसको सुई गैस के नाम से जानते हैं। बेसिकली जो है इंटरनेशनली इट इज़ कॉल्ड नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस की मेन कंपोजिशन जो CH4 है, और अक्सर वक्त CH4 के साथ ये जो मैंने आपके सामने डिफरेंट गैसेस लिखी हैं, जिसमें इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये इन नेचुरल गैस के साथ जो है इन कंपोजिशन मौजूद है, यानी कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये ज़्यादातर नेचुरल गैस का जो है वो हिस्सा है। तो इसको हम कहते हैं कि ये लो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, लो हाइड्रोकार्बन का मतलब यह है कि कार्बन की तादाद इसमें क्या है, कम है, इसे कहते हैं लो हाइड्रोकार्बन। नेचुरल गैस जो है ये भी ज़्यादातर किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहे हैं, फ्रॉम दी डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑलरेडी जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम फॉसिल फ्यूल कह रहे हैं। तो नेचुरल गैस जो है वो इसका मेन हमारे पास सोर्सेज है। अच्छा, फिर बाज़ औक़ात जो है वो अगर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रिक्ट सेंस में अगर हम कहें कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में क्या डिफरेंस है, तो बेसिकली अगर आप देखें तो पेट्रोलियम जो है वो हमारे पास ज़्यादातर हम सिर्फ क्रूड ऑयल को हम पेट्रोलियम कहते हैं, ठीक है ना, क्रूड ऑयल को हम क्या कहेंगे, पेट्रोलियम। लेकिन ज़्यादातर जहाँ पर भी वर्ड पेट्रोलियम आ जाए, तो उसमें क्रूड ऑयल के साथ साथ प्लस किसको आप स्टडी करते हैं, नेचुरल गैस को भी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है इन स्ट्रिक्ट सेंस, स्ट्रिक्टली व्हेन यू टॉक अबाउट स्ट्रिक्टली, जब हम स्ट्रिक्टली बात करते हैं कि पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में क्या फ़र्क है, तो फिर अगर आप स्ट्रिक्टली यू विल ओनली डिस्कस क्रूड ऑयल, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जहाँ पे भी पेट्रोलियम की बात की जाएगी, उसमें पेट्रोलियम के साथ साथ जो है वो नेचुरल गैस का जो है वो जिक्र भी आता है, ठीक है। और इसके बाद फिर हम इन नेचुरल गैस से फिर हम जानते हैं कि इसके बहुत सारे डिफरेंट यूज़ेस हैं। हम नेचुरल गैस को घरों में जो है वो इस्तेमाल के तौर पर घरों में कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, हीटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए नेचुरल गैस में ज़्यादातर जो मीथेन है इसको फर्टिलाइज़र कंपनी में जो है वो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल गैस को एज़ अ पावर जनरेशन, पाकिस्तान के अंदर तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, पावर जनरेशन यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा और
अभी हमारे पास नेचुरल गैसेस के जो यूजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स जो हम आगे इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स जो हैं उसको बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो सो फार हमने क्या डिस्कस कर लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज हमारे पास कितने हो गए, सोर्सेज हम अगर उसको हम क्लासीफाई कर लें तो सोर्सेज हमारे पास कौन कौन से हो गए, कोल, दूसरा सोर्स कौन सा हो गया पेट्रोलियम, और तीसरा सोर्स हमारे पास कौन सा हो गया दैट इज़ नेचुरल गैस। और तीनों जो ये सोर्सेज हैं, तीनों सोर्सेज इनका ताल्लुक जो है वो किससे है, फॉसिल फ्यूल से। और फॉसिल फ्यूल्स हम अब समझ गए हैं कि ये वो डेड रिमेन्स हैं जो कि ज़मीन के अंदर बरेड हो जाते हैं, उन पर मिलियंस ऑफ ईयर्स गुजर जाएँ, उसके ऊपर जो है वो काफ़ी टाइम गुजर जाए उनके ऊपर, अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। ज़्यादातर आप जिसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये दो चीज़ें मस्ट होती हैं। और साथ में फिर जो है वो एनएरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो कि ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, इनको किसी किस्म की ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। एनएरोबिक बैक्टीरिया और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर इन जो हमारे पास डेड रिमेन्स हैं उनको कन्वर्ट कर लेते हैं फॉसिल फ्यूल से, और उन फॉसिल फ्यूल में कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मौजूद होते हैं जिनको फिर हम फर्दर सेपरेट करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इससे हासिल करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक।